आरडी 3152 की बैटरी स्लो स्पीड के कारण सारी एसी की बैटरी बैठी हुई थी, एसी चार्ज नहीं कम कर रहा था, पब्लिक हेजिटेट कर रही थी और मैकेनिक को बुलाया गया। मैकेनिक बोले कि गाड़ी यहाँ से जब स्पीड में जाएगी चार्ज हो जाएगी, कोई खराबी नहीं है, पब्लिक को समझा बुझा करके फिर गाड़ी को रवाना किया गया। इस क्रम में समझाने बुझाने के क्रम में गाड़ी एक घंटे तक यहाँ खड़ी रही, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। पैसेंजर का कहना था कि लखनऊ से एसी खराब है। नहीं, गाड़ी का पीछे स्टॉपेज काफी रहता है और चूंकि बनारस से मुगलसराय के बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम से गाड़ी जो है काफी देर तक खड़ी रहती है, इस वजह से बैटरी उसकी बैठ गई थी और पब्लिक कह रही थी कि बनारस से मुगलसराय काफी दूरी थी, तो समझाया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम उसकी है और आगे ऐसा अब नहीं होगा। ट्रेन तो लेट है और एसी भी नहीं चल रहा है। लखनऊ में कंप्लेंट किया था, टीसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठे रहे। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? ठीक कर दो, थोड़ा टाइम ठीक कर दो और एसी ठीक कर दो। बच्चे को लेके कहाँ दूर तक आ रहे। मैं बोल रही थी अगर प्रॉब्लम है तो पहले से ठीक करो, जम्मू तवाई से ही ठीक करो, बीच में क्यों ठीक कर रहे हो? ये तो हम कश्मीर से गाड़ी में चढ़ा है, आते आते इतना लेट कर रहे हैं गाड़ी, ना एसी चल रहा है ना कुछ चल रहा है। एसी वाला टेक्नीशियन हमने बुलाया, वो भी हाथ जोड़ रहे हैं, हमारा बस की बात नहीं है, तुम आगे रिपोर्ट करो। कल से हम रिपोर्ट कर रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहे।